नमस्कार। आज मैं सेम का अचार बनाने जा रही हूँ। तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पे एक कटोरी सेम है, सेम ये वाला ली हूँ, मोटा वाला। इसको मैं इसको छील के और इस बीच में फाड़ के इसको देख ली हूँ कीड़ा नहीं है। तो आप भी ऐसे करिएगा, कभी कभी इसमें कीड़े भी निकल जाते हैं। तो एक कटोरी सेम है, पतला कटा हुआ, और थोड़ा सा सरसों है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा सिरका है, और यहाँ पे 2 चम्मच सौंफ है, 1 छोटा चम्मच जीरा है, 1 छोटा चम्मच मेथी है। तो सबसे पहले मैं ये तीनों को भून लेती हूँ, और उसके पहले मैं ये इसको उबाल के, इसको उबालना है सेम को, तो यहाँ पे मैं उबाल के पहले से रख ली हूँ। ये देखिए, इसको मैं आधा कुक कर ली हूँ, आधे से भी थोड़ा सा कम। तो और इसको मैं 10 मिनट के लिए धूप में रख दी थी, पानी इसका सूख गया है। तो सबसे अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको मेथी और जीरा, मेथी और सौंफ को इसको भून लेती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, गर्म हो भी गया है। इसमें इसको डाल देती हूँ, हल्का से इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए, ये हल्का सा भुन चुका है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, जार में इसको डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैं ये सरसों भी पीस लेती हूँ। इसको दरदरा पीसना है। ये देखिए, इसको मैं दरदरा पीस ली हूँ। अभी ये सेम जो है, इसी में इसको सब डाल दे रही हूँ। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सिरका, और इसी के साथ साथ एक चुटकी हींग ले ले रही हूँ। इसमें सरसों तेल, दो चम्मच और नमक स्वादानुसार, इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है मसाला। अब इसको एक बर्तन में रख लेते हैं। ये देखिए, सेम का अचार बन के तैयार हो गया है, और इसको तुरंत आप खाना भी चालू कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।